हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इस बाइक के बारे में खास बात आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि इस बाइक में आपको सिंगल साइड सिंगल आर्म देखने को मिलता है, जो कि 150 सीसी सेगमेंट की किसी भी बाइक में आज तक दुनिया में नहीं आया है, और ये फर्स्ट टाइम रहेगा इस बाइक में। और इस बाइक का जो नाम है वो नाम है होंडा SFA 150। अब आप ये बोलोगे कि भाई ये हॉर्नेट क्यों डाल रखा है टाइटल में, तो भाई बात ऐसी है कि जब हॉर्नेट लॉन्च हुई थी उससे पहले जब हॉर्नेट का कॉन्सेप्ट मॉडल आया था तो उस कॉन्सेप्ट का नाम होंडा ने रखा था SFA 150। तो ये एक तरह से ये मान लो कि जो हॉर्नेट है वो SFA कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस है, मतलब कि हॉर्नेट का नाम लॉन्च होने के बाद हॉर्नेट रखा गया है, उससे पहले इसका नाम SFA था। और ये जो बाइक मैं आपको बता रहा हूँ ये SFA 150 का नया कॉन्सेप्ट है, तो अगली बार जब हॉर्नेट आएगी तो उसके बारे में बात करेंगे वीडियो के आगे। तो अभी बने रहो यार, इतनी जल्दी किस चीज़ की है तुम्हें। तो इस बाइक की पहले अपन इंजन की बात कर लेते हैं, इस बाइक में आपको इंजन कैसा मिलता है, क्या मिलता है। तो इस बाइक का जो इंजन है, इंजन आपको इसमें 149.50 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है। और इस इंजन में आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलेगा, जो कि 16.9 bhp की पावर और 13 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको देता है। उसके अलावा इस बाइक में आपको फ्यूल इंजेक्शन देखने को मिलेगा, वो तो कंपलसरी तब तक हर बाइक में हो ही जाएगा। उसके अलावा इसमें आपको फ्रंट में अपसाइड डाउन फोक्स मिलेंगे और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर मिलेगा। और इसके अलावा हम इसकी हेडलाइट की बात करते हैं, तो हेडलाइट इसमें फुली LED हेडलाइट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव और यूनिक स्टाइल में है, मतलब काफ़ी यूनिक स्टाइल में इसको हेडलाइट दी गई है। उसके अलावा और अगर अदर फीचर देखते हैं तो यार, अगर इसके आप एग्जॉस्ट देख पा रहे हो तो एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक तरीके से इसमें फिट किए गए हैं, जो कि सीट के नीचे दो डुअल एग्जॉस्ट के तौर पे आपको दिए गएंगे, मतलब डुअल एग्जॉस्ट रहेंगे सीट के नीचे रहेंगे, जो कि काफ़ी यूनिक कॉन्सेप्ट है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। बाकी यार हर एक इंसान की अपनी पसंद होती है। और जो इस बाइक का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट है वो मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें सिंगल साइड सिंगल आर्म आपको दिया जाता है रियर में, जो कि काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, मतलब देखने में काफ़ी यूनिक सा फील आएगा कि भाई टायर है एक साइड से कनेक्ट है बाइक से, एक साइड में उसमें डिस्प्ले लगा हुआ है, एक साइड में उसमें चाइनीज पॉकेट लगा हुआ है, एक साइड से कुछ नहीं है। और ये चीज़ आपको बड़ी बाइकों में फील होती है उनको देखने से, क्योंकि उनमें ये चीज़ें होती है, लेकिन छोटी बाइक में इस टाइम पहली बार इस बाइक में आपको देखने को मिलेगी ये चीज़। और अगर इस बाइक की हम एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो यार वो रहेगी लगभग 1,20,000 से 1,30,000 के आसपास एक्सपेक्टेड प्राइस है, कॉस्ट कटिंग करके, क्योंकि कॉस्ट कटिंग करेगी कंपनी जब इसको लॉन्च करेगी, तो अगर ये हर एक चीज़ इसमें दी जाएगी तो काफ़ी महंगी प्राइस हो जाएगी। तो इसमें कॉस्ट कटिंग में बहुत सी चीज़ें चेंज हो सकती है कि इसमें अपसाइड डाउन फोक्स है वो टेलीस्कोपिक हो जाए या फिर और भी चीज़ चेंज हो जाए, लेकिन एक चीज़ शायद ही चेंज होगी, वो है इसका सिंगल साइड स्विंग आर्म, क्योंकि यार ये इस बाइक का सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट है और इसको शायद ही चेंज करेगी। अगर इसको चेंज कर दिया तो ये समझ लो कि मज़े नहीं आएंगे फिर। ये जो सिंपल आप देखते हो यही सस्पेंशन, सॉरी यही स्विंग आर्म आपको इसमें देखने को मिलेगा, बाकी मेरे हिसाब से चीज़ नहीं होगी, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट इसी के ऊपर बेस है ये। और इस बाइक में सबसे हाईलाइट चीज़ यही है, और मैं बात कर रहा था हॉर्नेट की, कि हॉर्नेट बिल्कुल यार हो सकता है कि जब नेक्स्ट वर्जन हॉर्नेट का आए तो वो इससे सिमिलर रहे, या फिर इसी बाइक को हॉर्नेट के तौर पे लॉन्च किया जाए जैसे कि होंडा ने पहले किया था, तो हॉर्नेट का अपग्रेड वर्जन ये हो सकता है, बिल्कुल कन्फर्म नहीं है। और ये बाइक आपको अगर हॉर्नेट का नया वर्जन आता है तो लगभग 2020 के एंड तक या फिर 2021 के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगी। इसमें आपको 1 से 2 साल लग सकते हैं इंडियन मार्केट में आने के, क्योंकि यार होंडा काफ़ी बार ये ऐसा करती है कि अदर मार्केटों में बाइक लॉन्च कर देती है, काफ़ी अच्छी अच्छी बाइक उसके चल रही है, लेकिन इंडियन मार्केटों में काफ़ी लेट वो बाइक लेके आती है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बाइक थोड़ी सी लेट हो सकती है लॉन्चिंग डेट इसकी। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और बाकी थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा टेक केयर।